हेलो, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल रोहसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हम पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल दो आप इम्परेटिव सेंटेंस। थोड़े इसमें अपने कुछ इसमें पहले देख जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इसमें कुछ वाक्य हमने किए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम आज्ञार्थक वाक्य भी बोलते हैं। आज्ञार्थक वाक्य तो हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम आज्ञार्थक वाक्य भी बोलते हैं। तो ये यहाँ दिख नहीं रहा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस सेंटेंस। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसमें एक बार थोड़ा इसको फिर से एक बार दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसके नियम होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो क्या है कि आपको वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के यानी सेंटेंस के भाव के अनुसार क्या करना है आपको। जैसे आपका इसमें दिया हुआ है सेड टू, उसको किस में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के उसमें करना है आपको। सेड टू को आपको सजेस्टेड, एडवाइज उसको कर सकते हो आप, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, उसके अलावा रिक्वेस्टेड, अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट है, प्रार्थना वाला भाव है तो उसको रिक्वेस्टेड भी आप कर सकते हो। इसके अलावा सजेस्टेड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड उसको कर सकते हो आप, ऑर्डर्ड। उसके अलावा प्रोबिटेड, वार्न्ड, फॉरबेड, प्रोबिटेड, प्रोबिटेड, वार्न आदि में उसको परिवर्तित आप कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में कैसा भाव है, सुझाव वाला भाव है, कोई सलाह वाला भाव है, कोई प्रार्थना उसमें की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, या कोई आदेश आपको दिया गया है। तो आपको वाक्य का भाव पहचानना पड़ेगा और उस भाव के अकॉर्डिंग आपको उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा इसमें मैंने कहा था, दूसरा रूल जो है मैंने बताया था कंजक्शन के लिए, किसके लिए आपको लिखाया था कि कंजक्शन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी मैंने बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो, अगर यही आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा, यहां पर टू नोट आ जाएगा आपके, टू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर आपको टू नोट नहीं करना है, यहां पर यानी आपको टू नोट नहीं करना है, आपको क्या क्या करना है, नोट टू करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम इसमें कंजक्शन का यूज करेंगे तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाक्य है, तो आप कंजक्शन के रूप में टू का यूज करोगे और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के लिए नोट टू का यूज करोगे, टू नोट का नहीं करोगे आप। तो ये दो रूल्स आपको लिखाए थे। फिर हमने कुछ वाक्य भी इसमें किए थे, एक बार फिर से उन वाक्यों को देख लो। कुछ सेंटेंस आपको मैंने दिए थे, जैसे समझ लो, पहला वाक्य अपना था नेहा सेड टू अर्जुन, नेहा सेड टू अर्जुन, नेहा सेड टू अर्जुन गो अवे।
गो अवे। तो आपको देखो यहाँ पर एक वाक्य मैंने लिखाया आपको, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, एक बार उसको फिर से देख लो। नेहा सेड टू अर्जुन गो अवे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया हुआ है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको उसमें देखना है कि सेंटेंस का भाव कैसा है। नेहा ने अर्जुन से कहा गो अवे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ जाओ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस वाक्य में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट अगर होती, कोई प्रार्थना होती, तो काइंडली या प्लीज का यूज होता है यहाँ पर। यहाँ सीधा सा है, इसमें आदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आदेश वाला वाक्य है ये, जिसको हम ऑर्डर वाला बोलते हैं। तो आपने वाक्य का भाव देखा यहाँ पर कि सेंटेंस में कैसा भाव है, आदेश वाला भाव है। तो जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे, तो ये आपका हो जाएगा नेहा, इसका हो जाएगा भाव के अनुसार ऑर्डर्ड। आदेश का भाव है तो क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड। नेहा ऑर्डर्ड अर्जुन, नेहा ऑर्डर्ड अर्जुन, और ये आपके दोनों हट जाएंगे यहाँ पर। फिर आपने देखा गो अवे यानी कैसा भाव है, आदेश का भाव है, और कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, तो कंजक्शन क्या आएगा, टू का यूज करोगे आप, और उसके बाद में आपको ऐसा का ऐसा इसको दे देना है। तो ये हो जाएगा नेहा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस का परिवर्तन आप करोगे। और दूसरा वाक्य मैंने आपको एक और लिखाया था रिक्वेस्ट वाला, जैसे वो था, उसमें था आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम प्लीज क्लोज द डोर। तो दूसरा वाक्य था आई सेड टू हिम प्लीज क्लोज द डोर। तो आपको उसमें क्या करना है, इसका आप जब बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या करोगे, यहाँ देखा आपने सेड टू है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और पहले आपको उसमें देखना है कि सेंटेंस का भाव कैसा है। प्लीज क्लोज द डोर, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ है, मतलब कैसा भाव है इसका, रिक्वेस्ट वाला भाव है, प्रार्थना की गई यहाँ पर क्लोज द डोर। अगर यहाँ पर प्लीज नहीं होता, खाली इतना होता क्लोज द डोर, तो कैसा वाक्य होता, तभी आदेश वाला वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर प्लीज है तो कैसा है, रिक्वेस्ट वाला। तो आप सेड टू का परिवर्तन किसमें करोगे, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हिम, ये आपके हट जाएंगे, सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा। फिर अब चूंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट पहले से वर्ड आ चुका है, तो बार बार हम प्लीज का यूज नहीं करेंगे, अपन प्लीज लिखो या रिक्वेस्टेड लिखो एक ही बात है, दोनों में प्रार्थना की गई है, तो इसमें प्लीज अट जाएगा और बाकी सेंटेंस जो है ऐसा कैसा आ जाएगा। यहाँ पर काइंडली होता तो भी उसको हटा देते आप, प्लीज होता तो भी उसको आपको हटाना है, क्योंकि इसके लिए जो प्रार्थना है वो पहले से रिक्वेस्टेड इसमें आ चुकी है। तो इस प्रकार से इनका आपको परिवर्तन करना है। अब एक तो आपका आदेश वाला हो गया, दूसरा जिसमें प्रार्थना सूचक शब्द वो है वो आपने देख लिया। अब इसमें अगला हम देखते हैं, अगला एग्जांपल हम लेते हैं इसी के अंदर। अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपका सेंटेंस कैसा हो, डायरेक्ट का वाक्य, अगला सेंटेंस था द डॉक्टर
said to the patient, patient, take this medicine regularly. क्या था? Take this medicine regularly. रेगुलरली, तो ये आपका एक सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पर भी इसका भाव देखना होगा कि इसमें कौन सा भाव दिया गया है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा आपको। टेक दिस मेडिसिन, मेडिसिन लिखा हुआ वहाँ पर, मैं इसको वापस कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप यहाँ से देख लो इसको, तो टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा का को नियमित रूप से इसको लो तुम। अब आपको पता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमें एडवाइस देता है। डॉक्टर आपको आदेश नहीं देता है कि आप ये दवाई लो, या आपसे प्रार्थना नहीं करता है वो। यानी डॉक्टर ना तो हमको आदेश देता है और ना ही अपने मरीज को से प्रार्थना करता है, वो सिर्फ सलाह देता है, परामर्श देता है आपको, आप उसको मानो या मत मानो। तो यहाँ पर आपने इस वाक्य में देखा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एडवाइस दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है? एडवाइस। सलाह वाला वाक्य है तो क्या करोगे जब आप इसका बनाओगे इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, इसका क्या कर दोगे? ये हो जाएगा आपका द डॉक्टर एडवाइज्ड। यहां पर आपको क्या यूज करना है? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट, ये आप कर जाएंगे। सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा? टू। फिर टेक दिस मेडिसिन्स, टेक आपने लगा दिया ऐसा कैसा, टू टेक। अब देखो आपको यहाँ और परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर दिस दिया हुआ है तो आपने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में मैंने आपको लिखाया था कि अगर दिस आता है तो उसका क्या कर दोगे आप? दैट। टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली, और ये सिंपल वाक्य में परिवर्तित हो गया, यानी द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली। तो आपने चेंज कहाँ किया? एक तो आपने दिस का क्या कर दिया? दैट कर दिया। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब में आपने क्या किया? सेड टू था, और आपने देखा कि ये परामर्श वाला वाक्य है तो आपने क्या कर दिया? एडवाइज्ड। तो ये आपने चेंज किया और कंजक्शन क्या लगाया? टू। तो ये तो हो गया आपका एडवाइस वाला वाक्य। अब एक इसमें देखते हैं अपन जिसमें फॉर्मेट का प्रयोग हुआ हो, ऐसा वाक्य भी। एक अगला वाक्य है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डू नॉट गो देयर। इसमें हम पढ़ देख लेते हैं अगला वाक्य, ही सेड टू मी डू नॉट गो, अगला इसमें हम देखते हैं, ही सेड मी डू नॉट गो, डू नॉट गो द पार्क, या माला आपने पार कर दिया। ही सेड टू मी डू नॉट गो इन द पार्क, यानी कई बार आपने देखा होगा कई पार्क के बाहर लिखा होता है प्रवेश निषेध है, यानी वहां पर स्पष्ट रूप से आपको मना किया हुआ होता है कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है। तो उसी प्रकार का वाक्य है, देखो इसमें, ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर, गो इन द पार्क, यानी बगीचे में नहीं जाना है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मना किया गया है।
ये आपका आदेश वाला वाक्य भी हो सकता है, तो इसको आप दो, इसको दो टाइप से आप कर सकते हो। या तो इसमें आप कर दो इसको आप, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ही ordered me, फिर आपने देखा यहां पर do not go, यानी ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन क्या आएगा, नोट टू। अब चूंकि नोट टू का यूज हो चुका है तो आपको डू नोट का यूज नहीं करना है इसका आपको, क्योंकि दोनों एक ही बात है, डू नोट नोट टू एक ही बात है, दोनों नेगेटिव, मना करने का भाव है यहां पर, तो इसका यूज हमें नहीं करना है। नोट टू, फिर आगे गो इन द पार्क, या तो इसको आप ऐसे कर दो, अगर आपने ऑर्डर का यूज किया है तो यहां पर नोट टू लगा दो आप, या फिर इस वाक्य को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो प्रवेश निषेध है, साफ मना किया गया है, तो आप इसमें फॉरबिड का यूज भी कर सकते हो आप, ही फॉरबिड मी, ही फॉरबिड मी टू गो इन द पार्क। अब देखो आप में दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पर हमने नोट टू का यूज क्यों नहीं किया, इस वाले वाक्य में नोट टू कंजक्शन का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं आपको कि फॉरमेड में, फॉरमेड अपने आप में नोट टू है, फॉरमेड का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से मना कर देना, नेगेटिव, तो इसमें नोट छुपा हुआ पहले से, फॉरमेड के साथ में नोट का यूज नहीं करते हैं, तो ये आप लिख लो इसको, फॉरबिड के साथ में नोट का यूज नहीं करते हैं, फॉरबिड के साथ में नोट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इटसेल्फ नोट छुपा हुआ है, ये अपने आप में नेगेटिव है, फॉरबिड वर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो फॉरबिड के साथ में नोट का यूज नहीं करते हैं। अगर आपने फॉरबिड यूज किया है तो फिर वहां पर नोट का यूज आपको नहीं करना है, कि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना कर देना, तो इसको दो टाइप से आप कर सकते हो, आदेश वाले वाक्य से कर सकते हो, या फॉरबिड के रूप में भी इसका यूज आप कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि अब ये क्लियर है आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस को हमें कैसे करना है, और वाक्य देखते हैं हम इसके। अगला वाक्य हम इसका लेते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अगला वाक्य है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब इस वाक्य को एक बार ध्यान से देखो कि ये किस टाइप का वाक्य है, इसमें कौन सा भाव आपको दिया गया है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो। जब आपसे कोई ये कहता है कि मेहनत करो, इसका मतलब वो कोई आदेश नहीं है आपको, आपकी मर्जी की बात है, आप मेहनत करो या मत करो, और न ही आपसे वो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेहनत करो। तो यहां इसमें भाव कैसा है, इसमें भाव है एडवाइस वाला, इसमें आपको सलाह दी गई है, सलाह मानो या मत मानो। हम लोग भी, टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि वर्क हार्ड, परिश्रम करो, तो वो आपको कोई बाध्यकारी नहीं है आपके लिए, या कोई रिक्वेस्ट उसमें नहीं है कि आप उसको मानो ही, लेकिन मानो या मत मानो आपकी मर्जी है, आपके भले के लिए ही बोलते हैं। तो इसमें
आपको एक परामर्श दिया गया है, एक सलाह दी गई है, तो यहां पर कैसा वाक्य है? एडवाइस वाला। आपने वाक्य का भाव देख लिया तो सेड टू का क्या करोगे आप? ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब आपने देखा किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, तो क्या करोगे? कंजक्शन क्या आएगा? टू, फिर आपका वर्क हार्ड, और ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉय, डोंट अब्यूज एनीवन। डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब इस वाक्य को एक बार देखो आप। द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब्यूज का मतलब होता है अपशब्द बोलना, अपशब्द या गाली देना। तो अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को अपशब्द मत कहो, गाली मत दो। तो आपने देखा यहां पर कि इस वाले वाक्य में क्या है, कैसा भाव है, यानी यहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, आदेश भी नहीं है। यहां पर क्या है, स्पष्ट रूप से उसको मना किया गया है कि तुम्हें अपशब्द यूज नहीं करना है। यहां पर चेतावनी है, साफ रूप से स्पष्ट रूप से मना किया गया है यहां पर। तो यहां हम फॉरबिड का यूज करेंगे इसके अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द टीचर फॉरबिड द बॉय। अब देखो यहां पर कंजक्शन क्या आएगा, सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन कंजक्शन नॉट टू का यूज अपने को नहीं करना है यहां पर, क्योंकि यहां पर मैंने भी लिखाया था आपको कि अगर फॉरबिड आया है तो उसके साथ में नॉट टू का यूज नहीं करना आपको। तो यहां पर क्या करोगे आप, ये आपके अट जाएगा अब्यूज एनीवन, कि फॉरबिड अपने आप में ही इसमें नोट छुपा हुआ है। तो द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, तो इसको आपको ऐसे परिवर्तित करना है। अगला वाक्य एक और देखो। सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इस वाक्य का भाव देखो आप, इसमें कैसा भाव दिया गया आपको, तो इसमें दिया गया आपको ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे कहा प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी ला के दो, या मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। जब हम किसके घर पे जाते हैं और या तो हम वहाँ बोलते हैं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी पिलाओ या दो, तो आपको पता है उसमें रिक्वेस्ट का भाव है, और चूंकि यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ है तो ये स्पष्ट है कि ये कैसा वाक्य है, रिक्वेस्ट वाला वाक्य है ये, आपको कैसा है, प्रार्थना वाला वाक्य है। इस वाक्य में आपसे प्रार्थना की गई है तो इसका क्या करोगे आप, ये हो जाएगा आपका सेड टू का आप क्या कर दोगे, रिक्वेस्टेड।
ही रिक्वेस्टेड मी, ये आपके हट जाएंगे। और सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, टू, प्लीज आपके हट जाएगा, बाकी वाक्य में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ब्रिंग आ, इसमें और देखना है इसके अंदर, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, अब आपको फिर यहां देखना है कि यहां पर मी आ गया, यानी आपको पता है कि मी को भी अपने को चेंज करना है, तो आपको यहां देखना है कि मी किसका ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि मी जो है वो यहां पर वो किसका ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्ट है मी, इसका ऑब्जेक्ट है आई का, जो प्रोनाउन की टेबल मैंने आपको लिखाई थी उसमें आप देखना कि आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार, ही के अनुसार। अब देखो यहां पर, यानी चेंज होगा ही के अनुसार। अब चूंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको दी गई है, जहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वहां आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म वगैरह मैं आपको सब लिखा चुका हूं टेबल के अंदर। तो यहां पर देखो आप, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे आप हिम, हिम इसका हो जाएगा बाकी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से बन जाएगा, यानी बाकी नियम सारे वही है कि जहां जहां आपको चेंज करना है वो तो करना ही है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस दिया हुआ है तो वहां भी चेंज करना है, कोई सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है तो वो कौन सा पर्सन है ये देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें भी परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस आपको करने हैं। तो इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां चूंकि प्रार्थना सूचक है तो रिक्वेस्टेड आ गया, और रिक्वेस्टेड अगर आता है तो बाद में हम काइंडली या प्लीज का यूज नहीं करते हैं वाक्य के अंदर। पॉजिटिव है तो कंजक्शन टू का यूज करोगे आप। तो इस प्रकार से आपको परिवर्तन करने हैं। इसका एक और लास्ट वाक्य देख लो आप, एक और हम लोग अंतिम सेंटेंस इसका देखते हैं, अंतिम सेंटेंस है इसका, एक वाक्य देखो इसके अंदर। और सी सेड टू सीता, अगला वाक्य है सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, क्या लिखा, काइंडली हेल्प मी, शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। तो आप देखो इसके अंदर, सबसे पहले आपको वाक्य का भाव देखना है कि इस वाक्य में कौन सा भाव है। मैंने कहा था अगर प्लीज या काइंडली का यूज होता है तो कैसा वाक्य है, वो प्रार्थना सूचक वाक्य है। उसमें कैसा भाव है, उसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो प्रार्थना सूचक है तो क्या करोगे आप, दिख रहा है कि आपको यहां पर सी नीचे, तो क्या करोगे, सी सेड का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड करना है आपको, रिक्वेस्टेड करना है सीता। अब जो कि सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा, काइंडली आपके हट जाएगा, फिर आपके हेल्प। अब देखो यहां पर फिर आपको यहां परिवर्तन करना पड़ेगा, मी आ गया, अब आपको पता है कि मी किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का, मी आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा आपका। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है
इसलिए हम शी का यूज नहीं कर सकते, हम शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका यूज करेंगे। तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है आपको पता है, हर होती है। क्या होती है? हर। तो यहां पर हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। तो इस प्रकार से परिवर्तन आपको करने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब क्या परिवर्तन करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, थोड़े से इसमें और रह गए बाकी, कल हम इसमें पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर लेट दिया हुआ है तो हम उसका परिवर्तन इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं वो हम अपनी कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।